नमस्कार, आप देख रहे हैं सिमसेट न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ निधिजा। हाजिर हूं एक बार फिर टॉप 10 खबरों के साथ। नजर डालते हैं देश विदेश की मुख्य सुर्खियों पे। किसान आंदोलन का तीसरा दिन, रेलवे ट्रैक पर बैठे 3 घंटे ट्रोल फ्री कराए, हाईकोर्ट में सुनवाई 20 तक टली, आज चंडीगढ़ में मीटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर रोक लगाई, 13 मार्च को पता चलेगा किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। तमिल फिल्म डायरेक्टर मणिकंदन के घर हुई चोरी, अगले दिन चोरों ने कैरी बैग में लौटाया नेशनल अवार्ड, बोले माफ करना आपकी मेहनत आपकी है। बीजेपी को 2022 से 2023 में 720 करोड़ का डोनेशन, 4 नेशनल पार्टियों को मिले चंदे का 5 गुना, 850 करोड़ में कांग्रेस को सिर्फ 80 करोड़ मिले। एक्सिस बैंक मैनेजर पर 50 करोड़ के फ्रॉड की FIR, लोगों के खातों से अपना मोबाइल नंबर जोड़ा, मशीन खराब बता, 5 महीने अपडेट नहीं की पासबुकें। बिजनौर में स्कूल बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 20 बच्चे घायल, टक्कर इतनी भीषण की चालक की मौके पर हुई मौत, 5 गंभीर, मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश। इमरान ने प्रधानमंत्री पद के लिए उमर अयूब को चुना, ये पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान के पोते, दूसरी बार राष्ट्रपति बनने की तैयारी में जरदारी। अमेरिका के कैंसस में फायरिंग, 21 लोगों को गोलियां लगी, इनमें 9 बच्चे, 1 की मौत, भीड़ ने हमलावरों को दबोचा। UAE का पहला हिंदू मंदिर PM ने उद्घाटन किया, कहा 140 करोड़ भारतीय मेरे आराध्य देव, मंदिर निर्माण में सबसे बड़ा योगदान शेख जायद का। T20 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा, BCCI सचिव जय शाह ने किया ऐलान, जून में होगा ये टूर्नामेंट। ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें, मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे नई और ताजा खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए SMZ News India।